अच्छा अभी कंपटीशन एक्ट, पहले तो मुझे बताओ ये छोड़ो सब, कंपटीशन कंपटीशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कशासाठी, कंपटीशन क्यों होना चाहिए? मार्केट इन्फ्लुएंस ना हो सके। अच्छा मतलब मार्केट में फिर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा नहीं, एट रीजनेबल प्राइस मिलेगा नहीं, तो लॉस किसको होगा? कंज्यूमर को। तो कंपटीशन इज इम्पोर्टेंट कि कंपटीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट? अरे वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इंडियन के मार्केट में क्या होता है ना, कंपटीशन किल्स कंपटीशन। मतलब कि एक कॉम्पिटिटर जो होगा ना, वो दूसरे कॉम्पिटिटर को हमेशा कैसे नीचे दिखाता है, ठीक है, उसको ट्राई करता है कि भाई तू इधर से निकल क्योंकि मुझे मोनोपोली क्रिएट करना है, ठीक है। बट ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, हर एक मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। अभी मुझे बताओ कंपटीशन किसको बेनिफिट करता है बेटा? कंज्यूमर को, सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिट करता है कि प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट करता है, कि सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिट करता है कि ओवरऑल सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है? क्या ओवरऑल सोसाइटी? अच्छा पहले तो मुझे बताओ कंज्यूमर को क्यों बेनिफिट करता है? तो उसके पास क्या ऑप्शंस रहेगा कि उनको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा एट एट रीजनेबल प्राइस, बोलो, ठीक है। और दूसरा प्रोड्यूसर को क्यों बेनिफिट होगा वो मुझे बता, प्रोड्यूसर को कैसे बेनिफिट होगा? कंपटीशन से तो उसको प्रॉब्लम होता है ना, तो प्रोड्यूसर को क्यों बेनिफिट होगा? क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ प्रोड्यूसर को कैसे बेनिफिट मिलेगा, उसको तो कंपटीशन, अगर मान लो अकेला है, हाँ कैसे होगा? हाँ अच्छा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मतलब एज अ बायर, तो वो कंज्यूमर हो गया ना उस, तो उसमें चला गया ना, वो ऊपर चला गया ना, वो कंज्यूमर हो गया। जब आई एम परचेसिंग द गुड्स आई एम अ कंज्यूमर, सो ऑब्वियसली तो फिर ये ऊपर चला गया ना, ही विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। मतलब तू क्या समझ के रखा है? वही चाहिए, वो वर्ड चाहिए मुझे कि बॉस वो लोग क्या करेंगे अगर कंपटीशन नहीं होगा ना मार्केट में, तो क्या होगा है, वो लोग क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। बट अगर कंपटीशन है मार्केट में तो क्या होगा? नए प्रोडक्ट्स होंगे, अरे नए प्रोडक्ट्स होंगे, इनोवेशंस करेंगे। ये तुमको पता है पहले जेम्स ऐसे कैसे आता था? जेम्स खाया है? ऐसे एक से छोटे से, वो अभी भी आता है, वो पैकेट्स में आता है ना, वो 5-5 रुपए का, ठीक है। फिर और बॉक्स में भी आता था, बॉक्स अभी बहुत महंगा पड़ता है इसके लिए वो लोग बॉक्स नहीं करते, बट ऐसे पैकेट्स में आता था। बट फिर तो यार बहुत सारे कंपटीशन आ गए चॉकलेट्स में, ठीक है, बहुत सारे आ गए, नॉट नॉट इवन इंडियन के, आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे आ गए। फेरे रेशो सुना है? ठीक है, तो खिलाओ कभी फेरे रेशो, फिर टॉब्लरॉन, ये सारी चॉकलेट्स है ना, वो सारी चॉकलेट्स इंडियन कॉम्पिटिशन आ गया मार्केट में, तो फिर उसका तो वो जेम्स मुझे भी पर्सनली अच्छा लगता है अभी भी, बट उसका कोई खरीदता नहीं था। फिर पता है उसे जेम्स ने इनोवेशन किया, बॉल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे एंग्री बर्ड, फिर ऐसे बेटा, अरे खरीदते थे, अरे बच्चे खरीद नहीं खरीदते थे, ठीक है। तो वो कितना अच्छा हो गया यार, नहीं अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा मेरे को बताओ अगर मैगी का कोई कंपटीशन नहीं होता था तो वो इनोवेशन करता ही नहीं था, फिर उसे कितने इनोवेशन किए, पेरी पेरी बनाया, अलग अलग फ्लेवर्स बनाए ना, पेरी पेरी, फिर टमाटो, फिर चिंग्स नूडल, नहीं चिंग्स तो अलग ही है, वो क्या सूपी नूडल्स, आटा नूडल्स, सब बनाया कि नहीं बनाया? सो कभी इनोवेशन आएगा जब भी कंपटीशन होगा, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इनोवेशंस नहीं आएगा। सो कंपटीशन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? अच्छा किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर के लिए मतलब कैसे? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा एट रीजनेबल प्राइस मिलेगा। सेकंड प्रोड्यूसर्स के लिए क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करेंगे बेटा, इनोवेशन करेंगे, अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं होगा, और अगर इनोवेशन होगा तो ऑब्वियसली ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट होगा या नहीं होगा? सो ओवरऑल किसको बेनिफिट होगा बेटा? सोसाइटी को बेनिफिट होगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि बिकॉज ऑफ इनोवेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इसके लिए कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी समझा? अच्छा अभी अपने इंडिया में क्या होता है ना, कॉम्पिटिशन इज किलिंग कॉम्पिटिशन,
उसका मतलब क्या होता है बेटा? एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को मार देता है, मतलब मार देता है इन द सेंस मार नहीं देता है, ठीक है, मार देता है मतलब, ठीक है, उसको मार्केट से निकाल देता है। सो एथिकली कि अनएथिकली? अनएथिकली, ठीक है। अभी जियो, तुमको पता है जियो जब भी आया था, ठीक है, गया ना यार आइडिया, मतलब वो है मार्केट में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट पूरा मार्केट गिर गया, हाँ या ना? आइडिया, वोडाफोन, हाय मैम, आइडिया, फिर वोडाफोन, अभी उन दोनों को मर्ज होना पड़ा, मर्ज होना पड़ा ना लॉजिकली, क्यों? क्योंकि अगर वो अकेले रहते थे तो वो मार्केट को फेस नहीं कर पाते, तो दोनों मर्ज हुए, आइडिया और वोडाफोन। फिर एयरटेल अभी भी है, ठीक है, अभी भी एयरटेल एकदम जियो के अगेंस्ट चल रहा है, और यहाँ तक समझा? सो यहाँ पे क्या होता है ना, कॉम्पिटिशन इज किलिंग कॉम्पिटिशन, मतलब एक कॉम्पिटिटर बहुत आउटस्मार्ट हो रहा है, आउटस्मार्ट कर रहा है, किसको आउटस्मार्ट कर रहा है बेटा? दूसरे कॉम्पिटिटर्स को, और उसको मार्केट से निकाल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। सो इसके लिए हम लोग को देखना है, हम लोग को मतलब सीएस को ऑब्वियसली बहुत ध्यान देके, जब भी तुम लोग ये डिपार्टमेंट में जाओगे, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट अलग होता है पता है, एंड वेरी नाइस डिपार्टमेंट। देखो सबका फोटे अलग अलग होता है, ठीक है, किसी को आईबीसी बहुत अच्छा लगता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है, और दूसरा है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है, इस दो डिपार्टमेंट, और सीरियसली बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि बहुत ज्यादा मर्जर्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्विजिशंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक ओवर्स हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली एक सीएस की जरूरत ही पड़ेगी वहां पे, विदाउट सीएस वहां पे काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सब अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, आरओसी को बोलना पड़ता है, ट्रिब्यूनल को बोलना पड़ता है, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, तुमको थोड़ा बहुत तो कंपनी लॉ के मर्जर्स एक्विजिशंस ऐसे होते हैं। अभी अच्छा, अभी यहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गए, तो तुम्हारा ये जो सीआर वाला पार्ट है ना, वो पूरा मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, मतलब अगर तुमको एमएनए डिपार्टमेंट में जाना है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में जाना है, तो ये पार्ट तुमको बहुत यूजफुल हो जाएगा कभी जब भी आप एमए डिपार्टमेंट में जाओगे। बट अगर तुमको इंसॉल्वेंसी के डिपार्टमेंट में जाना है, तो तुम्हारे लिए पार्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इन शॉर्ट ओवरऑल पूरा इम्पोर्टेंट ही है। और देखा जाएगा तो प्रोफेशनल के सारे सब्जेक्ट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिकली सोच के रखा ना, जैसे ड्राफ्टिंग वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस तुमको ही करना है, और कौन करेगा, सो वैसे होता है। अच्छा अभी यहाँ पे हमको मेन कितने सेक्शंस थे, एक सेक्शन 3 था, एक सेक्शन 4 था, सेक्शन 5 था, एंड सेक्शन 6 था, ठीक है। ये जो था एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बोले तो क्या, मतलब यू आर मेकिंग एन अग्रीमेंट विच इज गोइंग अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन कोई जाएगा, तो वैसे अग्रीमेंट अलाउड हो गए कि नॉट अलाउड हो गए, तो ऑब्वियसली एंटी कॉम्पिटिटिव हमेशा कौन से अग्रीमेंट होंगे, वॉइड। यहां तक समझा था, ठीक है। फोर क्या था, डोमिनेंट पोजिशन, मतलब अब्यूजिंग ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, ठीक है। डोमिनेंट पोजिशन पर होना खराब बात है क्या? नहीं, मतलब अगर मैं डोमिनेंट पोजीशन पे हूं, वो खराब नहीं है, बट मैं जब भी उसका मिसयूज करूंगी तो वो खराब हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अब्यूजिंग द डोमिनेंट पोजीशन। अभी समझ रहा है कि नहीं समझा? समझा। सो ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑब्वियसली नॉट अलाउड, ये भी गए, बट ये तुम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी किया है, अभी हमको सिर्फ यही दो करना। सो ये चैप्टर में सिर्फ दो ही है, सेक्शन 5 है एंड सेक्शन 6 है। अभी समझा ये चैप्टर में क्या है कवर? अभी 5 और 6 मैम हमने किया है, 5 किया है हमने, 6 भी किया है। अगर 5 तुमको याद है क्या था, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था, ठीक है, और 6 वही बोलता था कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन जो एडवर्सली इफेक्ट करता है किसको, मार्केट को एडवर्सली इफेक्ट करता है, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और फिर थ्रेशहोल्ड लिमिट भी दिया हुआ था, अगर याद है तुमको तो। सो वो तो किया हुआ था मैम हमने, तो बस उसका एक्सटेंडेड वर्जन करना है, समझ रहा है? चलो स्टार्ट करें। पहले मुझे बताओ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्बिनेशन, फटाफट, एग्जीक्यूटिव में किया था ना, बोलो। सॉरी, दो जन साथ में आते हैं,
नहीं, पर बराबर ट्राई तो कर रही है बेचारी, ऐसा मत करो यार। मर्जर बोल रही है ना, मर्जर ही बोल रही है ना। ठीक है, अभी पहले तो कॉम्बिनेशंस का मतलब समझो, ठीक है, और फिर कितने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस है वो समझो। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हमको नहीं था एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, तो इधर है, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल में आया तो थोड़ा तो पड़ेगा कि नहीं। पहले कॉम्बिनेशन में, आई डोंट नो तुमको ऐसा पता आ गया, ठीक है, तीन है, ए बी एंड सी, ठीक है, ऐसे याद रखो। अच्छा, ए मैं स्मॉल ए लिखती हूँ वरना फिर तुम कंफ्यूज हो जाओ। ए बी एंड सी, ए जो है ना वो बहुत इजी है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो इसने बोला, ठीक है, मतलब दो कंपनी मर्ज होके या तो एक कंपनी बन गया, ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख लिमिटेड मर्ज्ड विथ सलमान लिमिटेड, ठीक है, और एक नया ही कंपनी फॉर्म हो गया, कौन सा, करण अर्जुन लिमिटेड। अरे हाँ ना, तो ये नया कंपनी फॉर्म हो गया, उसको क्या बोलते हैं, मर्जर, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड, ठीक है, और अनुष्का लिमिटेड, ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड इज मर्ज्ड विथ, ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड, ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड किससे मर्ज हो रहा है, अनुष्का लिमिटेड से। अच्छा, जब भी मैं बोल रही हूँ विराट कोहली लिमिटेड इज मर्ज विथ अनुष्का लिमिटेड, तो क्या होगा बताओ, ये तो आना चाहिए, जल्दी बोलो। अनुष्का रहेगा, रहेगी, रहेगा, ठीक है, अनुष्का लिमिटेड का कंपनी रहेगा एंड हाँ विराट कोहली लिमिटेड चला जाएगा, ठीक है, विराट कोहली लिमिटेड चला जाएगा, खत्म, और अनुष्का लिमिटेड और बड़ा कंपनी बन जाएगा। नहीं समझा, तो ऐसे भी मौज हो सकता है, तो ये कौन सा प्रोविजन है, सी। रुको मैं बताती हूँ ये एबीसी क्या है, बट यहां तक समझा, ठीक है। जो वापस बोल रही हूँ, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, ये तीन में कॉम्बिनेशन सिखा रही हूँ, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशंस में कैसे होगा, ए बी एंड सी, तीन चीज होगा। जो ए वाला होगा वो क्या होगा, ए नहीं सिखाया, सॉरी, सी वाला होगा वो क्या क्या है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मैंने सिखाया वो मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी फॉर्म होता है, शाहरुख लिमिटेड सलमान लिमिटेड मर्ज होके करण अर्जुन लिमिटेड, मतलब ये गया और करण अर्जुन लिमिटेड आ गया, ऐसा हो सकता है। या तो फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी को, मतलब मर्ज हो रहा है, तो विराट कोहली चला गया और बदले में क्या आएगा, मतलब अनुष्का लिमिटेड और बड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे ये ए जो है ना वो टेक ओवर है, मतलब टेक ओवर मतलब एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्स है, एक्स लिमिटेड है, और यहाँ पे वाई लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के एक भी शेयर नहीं थे, पहले भी एक भी शेयर नहीं थे, तो एक्स लिमिटेड ने क्या किया, वाई लिमिटेड के शेयर्स अक्वायर किए, ठीक है, सो ये एक्विजिशन हो गया, तो ये एक्विजिशन हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली सब्सटेंशियल कंट्रोल लिया, किसके ऊपर कंट्रोल लिया, वाई लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल लिया, तो ऑब्वियसली जब भी वो कंट्रोल लेता है तो इसको भी क्या मानना माना जाता है, कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन सिर्फ मर्जर्स एंड एक्विजिशन को माना नहीं जाता है, कॉम्बिनेशन किसको माना भी जाता है, एक्विजिशन को भी कॉम्बिनेशन ही माना जाएगा। मतलब एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के पहले एक भी शेयर थे, नहीं, बिल्कुल एक भी शेयर नहीं थे, ठीक है, बट उसने क्या किया, वाई लिमिटेड के सब्सटेंशियल कंट्रोल ले लिया वाई वाई लिमिटेड को, तो ये कौन से क्लॉज में चला जाएगा, ए, समझा। अच्छा, बी क्लॉज में भी एक्विजिशन ही है, बट एक्विजिशन कौन सा है पता है, जिसमें ऑलरेडी थोड़ा कंट्रोल है, ठीक है, और ज्यादा कंट्रोल ले लिया, समझ रहा है ना। मतलब यहाँ पे सपोज पी लिमिटेड हुआ और यहाँ पे क्यू लिमिटेड हुआ, पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड, सो पी लिमिटेड के पास ऑलरेडी सपोज मान लो 5% या 10%, मतलब ऑलरेडी उसने इन्वेस्ट करके रखा है, बट सब्सटेंशियल कंट्रोल नहीं था। कितना इन्वेस्ट करके रखा था, हार्डली माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, मतलब 5% 6% ऐसा छोटा मोटा इंटरेस्ट था, बट अभी अभी उसने सब्सटेंशियल कंट्रोल ले लिया, तो ये भी एक्विजिशन ही हुआ ना बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे एक
ए वाला जो क्लॉज है ना वो एक्विजिशन का है, बी वाला क्लॉज भी एक्विजिशन का है. इन शॉर्ट ऐसे याद रखो ना, ए बी दोनों किसका है, एक्विजिशन, और सी वाला क्लॉज अलग ही है, दैट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अमालगमेशन. समझ रहा है? हाँ, तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के मीनिंग में? पक्का पक्का? अच्छा देखो पेज नंबर, एक मिनट, पहले कॉम्बिनेशन का मीनिंग देखो फिर आगे बढ़ते हैं. ये आगे का फर्स्ट फर्स्ट मार्क देख, फर्स्ट देखो यहाँ पे पेज नंबर 130 पे मिला, सेक्शन 5 दिया होगा, मिला लास्ट में दिया होगा बेटा, पेज नंबर 130 सबको मिला. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट दिखा. अच्छा तो वो पहले पढ़ो, सेक्शन 5 डिफाइन्स कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी. अच्छा कौन से इसमें डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन है, पहले सेक्शन याद करो, कौन से इसमें डेफिनेशन है, सेक्शन 5. अच्छा अगर मैं ए बी सी लिख रही हूँ मतलब वो क्या हो गया, सब सेक्शन, मतलब सेक्शन 5 सब सेक्शन ए, 5 बी, 5 ए एंड 5 बी क्या बोलता है, एक्विजिशन, 5 सी क्या बोलता है, वेरी गुड. तो एक बार देखें, चलो एक्विजिशन क्या लिखा है, एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल शेयर्स वोटिंग राइट्स और द असेट्स, ये इजी था. अच्छा बट बी वाला पढ़ो अभी. ठीक है, एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एंटरप्राइज व्हेन सच पर्सन हैज ऑलरेडी, आया वर्ड, मतलब उसके पास ऑलरेडी या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट कंट्रोल था. अभी डायरेक्ट कंट्रोल तो तुमको एग्जाम्पल समझ गया, अभी इनडायरेक्ट भी समझेंगे, बट पहले डायरेक्ट समझा कि नहीं समझा कि अच्छा पी लिमिटेड के पास क्यू लिमिटेड के कितने शेयर थे बेटा, 5% थे. अभी और वो सब्सटेंशियल एक्विजिशन करेगा तो ये कौन से उस, ये कौन से इसमें आएगा, डायरेक्ट में आएगा, डायरेक्ट में आएगा. अभी इनडायरेक्ट कोई बता सकता है या मैं बताऊं? वेरी गुड वेरी गुड. मतलब यहाँ पे एक ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड इज सब्सिडरी. मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जो तेरा है वो मेरा है, होल्डिंग कंपनी तो वही बोलता है क्या, जो तेरा है वो मेरा है, मतलब जो तेरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, समझा? अच्छा अभी बी लिमिटेड के पास सपोज क्यू लिमिटेड के, बी लिमिटेड के पास क्यू लिमिटेड के 5% शेयर्स है, मतलब ये 5% शेयर्स किसके पास है, बी के पास है, बट ऐसा माना जाएगा कि वो ए के पास है. नहीं समझा? समझा. सो अभी ए अगर मान लो क्यू लिमिटेड में या तो डायरेक्टली करता है या तो थ्रू इनडायरेक्ट करता है, एक्विजिशन तो एक्विजिशन ही होता है. डायरेक्ट, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूरा समझा? सो देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक अंडरलाइन करो, हैज ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अदर एंटरप्राइज. ठीक है, जो एंटरप्राइज या तो प्रोडक्शन में है या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में है या ट्रेडिंग में है या तो कोई भी सिमिलर आइडेंटिकल या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन पता है ना, सब्स्टिट्यूबल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल टी कॉफी या तो फिर कोक और पेप्सी, ठीक है, निर्मा साबुन. अरे क्या ढीच किया, निर्मा साबुन नहीं है, चीप है, कौन बोला चीप है, स्टेटस वाले साबुन चाहिए तेरे को, चीप कैसे हुआ? अरे वो बहुत अच्छा था, जो तेरे को पता नहीं है, ऐसे मस्त एक लड़की ऐसे डांस करती आ रही थी. अरे सच्ची में बोल रही हूँ, कितना अच्छा एड था वो यार, क्या था, सफेदी की चमकार. हाँ ऐसे ही. अरे यार शिव बाबा, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है ओके, बट वो बहुत अच्छा था. चलो अभी क्या बोल रही थी मैं, हाँ यहाँ तक समझा. अरे हाँ मैं सब्स्टिट्यूट बोल रही थी, ठीक है, निरमा और टाइड, सर्फ या तो टाइड, बस सर्फ या तो टाइड या तो एक्सेल, नहीं, सर्फ एक्सेल ही होता है, ठीक है, बट समझा कि नहीं सर, समझा? ठीक है गुड. अच्छा ऑब्वियसली यू कैन डील आइदर इन गुड्स और यू कैन डील आइदर इन प्रोविजंस सर्विसेज, समझा? एक भी डाउट, एक भी क्वेश्चन सेकंड पॉइंट में. तो फर्स्ट एंड सेकंड किसका है, जल्दी बोलो.
एक्विजिशन, ठीक है, फर्क सिर्फ कितना है इधर, नहीं होल्डिंग वाला इधर पहले से ही कुछ नहीं था, और इधर डाउट है। अच्छा नेक्स्ट, थर्ड वाला अलग ही है, किसका, मर्जर्स एंड अमालगमेशंस, ठीक है। अच्छा अभी जब भी ये क्यों मैंने इतना ये कराया, क्योंकि मुझे है ना हर टाइम मैं ये सेक्शंस बोलते रहूंगे, 5AB, तो ए बी मतलब तेरे को एक्विजिशन ही वर्ड आना चाहिए, और अगर जब भी 5C बोला मतलब मर्जर, अभी समझ रहा है, तो अभी मैं वापस मर्जर्स और वो सब बोलूंगी नहीं, सिर्फ 5AB बोलूंगी एंड 5C बोलूंगी। अच्छा अभी बहुत टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं मैम, कौन से टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन। हम लोग हॉरिजेंटल समझता है तुमको, हॉरिजेंटल ऐसे होता है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। सो तुमको क्या लगता है, अगर मैं हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन बोलती हूँ मतलब सेम लेवल पे होगा, सेम लेवल पे होगा मतलब ऑब्वियसली एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकडी बर्गर किंग, करेक्ट, मैकडी और बर्गर किंग अगर मर्ज हो रहे हैं या टेक ओवर हो रहा है, वॉट एवर एक्विजिशन या तो मर्ज हो रहा है, तो इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दे बोथ आर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये समझा ना, मुझे वापस और समझाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल मतलब ऐसे होगा। अच्छा अभी तुम्हारे पोर्शन में नहीं है बट मैं ऐसे ही बता रही हूँ, एक है ना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब कॉम्बिनेशन, बट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देख दोनों वर्टिकल हुआ यार, फॉरवर्ड बोलो या तो बैकवर्ड बोलो, दोनों वर्टिकल ही हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तुमको एग्जाम में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको एग्जाम में सिर्फ क्या लिखना है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक कंपनी है ए, ठीक है, और दूसरी कंपनी है बी, ये दोनों सेम बिजनेस में नहीं है, जैसे बर्गर किंग और मैकडी है ना वैसे सेम बिजनेस में नहीं है, बट ये है ना कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो वो कार मैन्युफैक्चरर कॉम्बिनेशन करता है विद द कार डीलर। कार डीलर मतलब जो कार्स बेचते हैं ना, तो ये मैन्युफैक्चरर और डीलर ने कॉम्बिनेशन कर दिया, सो ये कौन सा मर्जर हुआ, वर्टिकल मर्जर। बट अगर मान लो ये कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने रॉ मटेरियल सप्लाई वाले से किया, हो सकता है ना, या रॉ मटेरियल सप्लाई, अरे अच्छा है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसको वो टेंशन नहीं है, अरे मार्केट में से चिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, चिप नहीं चिप चिप, ठीक है, चिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बैटरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये टायर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझा बच्चा पक्का। तो यहाँ पे ये मर्जर हुआ, तो ये कौन सा मर्जर हुआ, ये फॉरवर्ड लग रहा है कि बैकवर्ड लग रहा है, बैकवर्ड मतलब मैन्युफैक्चरर अगर रॉ मटेरियल सप्लायर से मिलता है तो उसको कौन सा मर्जर बोलेंगे, बैकवर्ड, और अगर मैन्युफैक्चरर अगर सपोज आगे के सप्लाई चेन से मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन से मिलता है तो फॉरवर्ड मर्जर, अभी समझा। अच्छा पर तुमको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखना नहीं है, तुमको सिर्फ क्या लिखना है, वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में ऑब्वियसली आप क्या करते हो, कॉम्पिटिशन नहीं तोड़ रहे हो, आपको आपका इंटेंशन कॉम्पिटिशन तोड़ना भी नहीं है, आपका इंटेंशन क्या है कि मेरा सप्लाई चेन या तो फिर मेरा जो रॉ मटेरियल का जो मेरे को एक्विजिशन करना है वो बराबर होना चाहिए, कि मुझे कोई टेंशन ना हो। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है बोलो, पूरा समझा पक्का पक्का। तो देखो वहां पे दो मर्जर तरह भी है, पर पहले ये करते दो मर्जर करते फ्लैप ऊपर करते, एक सेकेंड, हॉरिजेंटल मर्जर, हॉरिजेंटल मर्जर मिला, हॉरिजेंटल, चलो एक बार पढ़ते हैं, व्हाट इज हॉरिजेंटल मर्जर, फटाफट पढ़ो। हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टुगेदर टू और मोर एंटरप्राइज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स, अंडरलाइन करो, प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स,
और रेंडरिंग द सेम सर्विसेज, देयर मे बी टर्म्ड एज कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर, मतलब ऑब्वियसली दे आर टर्म्ड एज वॉट कॉम्पिटिटर्स, मैकडी एंड बर्गर किंग, ठीक है. दिस द रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिंग फर्म्स इन द इंडस्ट्री. मैंने बोला ना कि अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा. डाउट है, क्वेश्चन है, बोलो. पूरा समझा? क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल हो गया. अभी वर्टिकल में पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो, क्योंकि मॉड्यूल में उतना ही दिया है बेटा, ठीक है. चलो, वर्टिकल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टुगेदर टू और मोर एंटरप्राइज विद वन ऑफ देम एन एक्चुअल और पोटेंशियल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. मतलब ये वाला एग्जाम्पल दिया है इधर, ठीक है. मतलब वन ऑफ देम इज अ पोटेंशियल सप्लायर, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर टू द अदर. दे इन्वॉल्व एंटरप्राइज ऑपरेटिंग एट विच लेवल? नॉट सेम लेवल, इट इज एट डिफरेंट लेवल. समझ, सेम लेवल होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा, डिफरेंट लेवल तो वर्टिकल, ठीक है. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन मे बी टू एंश्योर दैट द सोर्स ऑफ सप्लाई बराबर हो रहा है, या तो नो आगे पेमेंट बराबर हो रहा है, या तो आगे मेरा सेल बराबर बढ़ रहा है या नहीं, वो ऑब्जेक्टिव मेन होता है, ठीक है. थर्ड कॉम्बिनेशन देखो कौन सा है, कॉन्ग्लोमरेट. उसका मतलब नॉट रिलेटेड टू, मतलब अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है. ऐसे क्यों करते हैं, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए, खत्म. सो न्यू मार्केट में अगर मेरे को एंटर करना है, या तो मुझे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना है. तुम अगर आईटीसी देखो, आईटीसी सुना है ना, आईटीसी कंपनी, मुझे बताओ उसका एक ही बिजनेस लाइन है कि बहुत सारे है? एक एक दो एग्जाम्पल, होटल्स है, वेरी गुड, फिर सिगरेट्स, फिर हाँ, फूड इंडस्ट्रीज, अरे बहुत सारा है. क्यों करते हैं वो लोग? ताकि ना डाइवर्सिफिकेशन हो, ठीक है. उनका जो सिगरेट वाला बिजनेस इतना ज्यादा चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ यू गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाता है, ये स्टैम्प ड्यूटी, ये वो, बहुत बहुत ज्यादा हो गया है गवर्नमेंट का, ठीक है. बट ऑब्वियसली सिगरेट का तो ऑब्वियसली इसके लिए वो लोग चल रहा है कि डीमर्ज करे. पता नहीं अभी कब से चल रहा है यार डीमर्ज, तब तक उसका प्राइस नीचे ही है अभी फिलहाल तो. बट समझा,